माई ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत ट्रिपल वन टैर चैनल के ऊपर तो आज के वीडियो का टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी पता लग गया होगा एंड गुड मॉर्निंग अब से मैंने सोचा है मैं रोज आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलूंगी जो भी सुबह सुबह इस वीडियो को देखेगा तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी पता है आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि आखिरकार उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है हाल फिलहाल उनकी जिंदगी में क्या चल रहा, हम चारी था था रहा है हम हमेशा करंट फीलिंग्स की बात करते हैं अभी राइट नाउ वो क्या सोच रहे हैं वो क्या सोचते हैं इनके बारे में बात करते हैं बट वी नेवर यू नो गोना बी चेक कि आखिरकार उनकी जिंदगी में अभी हाल फिलहाल चल क्या रहा है तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि हाल फिलहाल उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो सोच क्या रहे हैं नहीं उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है ठीक है चलिए चेक करते हैं अगर आज आप लोग नए आए हो चैनल पे गाइस तो प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ दिस रेजोनेट विद यू एंड आल्सो सब्सक्राइब टू दिस अगर आप लोगों से वीडियो रेजोनेट करे तो चलिए चेक करते हैं लवर्स जेमेनाय सो मे बी यू एंड योर पार्टनर बिलोंग्स टू दिस जोडेक साइन जेमेनाय जेमेनाय हो सकते हैं आपके आप पार्टनर और चेक करते हैं थ्री ऑफ सोड्स जमनाई लिब्रा एक्वेरियस अगेन एयर साइन ये कार्ड भी लेंगे फिर हमारे पास किंग ऑफ पेनिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन देन वी हैव नाइट ऑफ बोन्स एरीज लियो सजिटेरियस देन वी हैव अगेन थ्री ऑफ wands सीज लियो sagittarius ठीक है एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेथ सो स्कॉर्पियो ओके तो ये जोडियक्स यहाँ पर मौजूद है हमारे पास अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं जोडियक्स मैंने आप लोगों को बता दिए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में हम्म hmm, इनकी जिंदगी में चल रही है ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग इन सेंस थ्री ऑफ बॉइंस का कहा है यहां बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ठीक है बहुत बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इनफैक्ट इनके दिल में दिमाग में एक चीज जो मैं चलते हुए देख रही हूँ वो ये है एक तरीके का हार्ट ब्रेक खुश नहीं है आपके बिना बिल्कुल भी हार्ट ब्रेक चल रहा है इनकी जिंदगी में ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि नहीं भाई इनकी जिंदगी में तो सब कुछ सही है और आगे भी सही रहने वाला है दुख तो सिर्फ मैंने ही मैंने भोगा है तो ऐसी बात नहीं है दुख तो इन्होंने भी भोगा है बॉस और ये भी भोग रहे हैं कहीं ना कहीं आप टैरो का सहारा ले, ले लेते हो आप स्पिरिचुअलिटी तो का सहारा ले, ले लेते हो फॉर द पॉजिटिव माइंड सेट और आप उस चीज के बहाने अपने दिन तो निकाल पा रहे हो बट आ, ये पर्सन तो टोटली तो तो डिस्ट्रॉय वाली कंडीशन पे चल रहा है ठीक है देख रहे हो आप इसके करियर में किसी न किसी तरीके का उछाल आता है इसके करियर में किसी ना किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आती है बट दिस पर्सन डोंट वॉन्ट टू टेक इट मन ही नहीं है लेने का उनका क्यों क्योंकि उनको ऐसा लगता है लेकर के भी फायदा क्या है कुछ भी नहीं चीजें तो खराब ही होनी है मेरी जिंदगी में क्यों क्योंकि मैंने तो किसी का खराब कर रखा है ये पर्सन ना कर्मा से बहुत डरता है मे भी हो सकता है कि आप या आपके पार, जो पार्टनर है मे बी यू नो एनर्जी बिकम वाइस वर्सा तो ये हो सकता है कि ये पार्टनर ना जो आपके पार्टनर है कहीं ना कहीं कर्मा से बहुत ज्यादा डरते हैं ठीक है तो वो जो कर्म वाली बातें है ना वो भी बहुत ज्यादा मेरे को यहाँ पे मैटर करती हुई नजर आ रही है कि इनको ऐसा लगता हो कि भाई मैंने तो कर्मा खराब कर रखा है मेर, मेर, मेरी वजह से मेरे घर वालों की वजह से मेरे खानदान की वजह से किसी और का बहुत ज्यादा दुख किसी किसी और ने बहुत ज्यादा दुख झेला है तो आखिरकार मेरी लाइफ के अंदर सब कुछ सेटल कैसे हो सकता है ठीक है ये चीजें भी मेरे को नजर आ रही है विद दिस लवर्स कार्ड जमेना कार्ड वो अभी खुश तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है और शांति से बैठे रहते हैं ऐसा करियर के ऊपर भी फोकस करता हुआ मेरे को बंदा नहीं नजर आ रहा है हालांकि विद दिस किंग ऑफ पेनिकल्स कार्ड मुझे लग रहा है कि इनके करियर के अंदर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं है ओवरऑल सब कुछ सेटल ही है बट स्टिल बट स्टिल जो चीज मैं यहां देख पा रही हूं बट स्टिल इनके दिमाग में ये थाट है कि पता नहीं अब जो चल रहा है उसको चलने दो जो जैसे चल रहा है ठीक है तो एक तरीके का हार्ट ब्रेक भुगत रहे हैं ये ठीक है खुश नहीं है करियर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं ओवर थिंक करते रहते हैं आपके बारे में आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैंने किसी का इतना बुरा किया हुआ है ठीक है वो भी एक ऐसे पर्सन का जो कि मुझे इतना ज्यादा प्यार करता है इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है ठीक है अब जब इतना कुछ बुरा किया है मैंने तो उसका फल तो मुझे मिलेगा ही ठीक है और ये फल किस स्वरूप में मुझे मिलेगा मुझे ये नहीं पता उनके दिमाग में ये है कि ये फल मुझे किस स्वरूप में मिलेगा मुझे नहीं पता लेकिन हाँ एक दिन जरूर आएगा जब मेरी जिंदगी बिल्कुल भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी कुछ नया शुरू होगा ठीक है तो ये सारी अभी उनकी जिंदगी में चीजें चल रही है मुझे एक चीज और मैं यहाँ पे देख पा रही हूं विद दिस नाइट ऑफ वॉन्स कार्ड नाइट ऑफ वॉन्स कार्ड का एक मतलब और निकल सकता है यहां पे जो मुझे बार बार प्रोमिनेटली फील हो रहा है कि हो सकता है इनके घर वाले ना इसके इनके पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो और ये पर्सन ना इन सब चीजों को डिनाई कर रहा है मतलब ये पर्सन ना बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं शादी अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है और हो सकता है इनकी दादी नानी चाची कोई मदर फिगर है जो कि बार बार किसी ना किसी लड़की का प्रपोजल लेकर आती रहती है और इनकी जिंदगी में और उछाल जो है बढ़ाती रहती है अब जो लड़के देख रहे हैं वो इसको प्लीज लड़की की तरह ले लीजिएगा कि उनकी चाची दादी नानी कोई मदर फिगर कोई लड़के का रिश्ता लेकर आती रहती है ठीक है तो हाँ बिल्कुल बंदा अंदर ही अंदर घुल रहा है करियर पे ध्यान नहीं दे रहा है और करमा से डर रहा है इसके घरवाले इसकी शादी के पीछे पड़े हुए हैं ये पर्सन हर रिश्ते को डिनाई कर देता है कहीं ना कहीं इसके घर वालों को शक है कि आज भी जो हमारा बच्चा है या हमारी बच्ची है वो कहीं ना कहीं उस बंदे के बारे में या बंदी के बारे में सोचते रहते हैं दैट्स वाई ये इन सब चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं बट ये पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के करियर के अंदर उन लोगों को दिखाने के लिए करियर के अंदर लगा रहता है कि हाँ भाई अभी तो मुझे अपने करियर को स्टेबल करना है और इनके घरवाले इनको बार बार कहते रहते हैं अब और क्या स्टेबिलिटी चाहिए उम्र बहुत हो गई है तो अब तुम शादी कर लो ठीक है और क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में कार्ड देखो कैसे गिरते हैं <laughs> इस कार्ड को हम लेंगे अगेन लवर्स का कार्ड अगेन जेमनाए बंदा भूला नहीं है प्यार अगेन डेथ कार्ड स्कॉर्पियो व्हील ऑफ फॉर्च्यून देंगमेन यानी कि जो चीज मैं देख पा रही हूँ का कार्ड है, इस पर्सन के ऊपर हो सकता है किसी तरीके का आपके साथ इसको जुदा करने के लिए किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुंस या ब्लैक मैजिक भी हुआ हो ठीक है ऐसा भी हो सकता है दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना वो मैं क्या है यहाँ पे कि ये पर्सन हो सकता है अभी लेटेस्ट किसी बंदी से या किसी बंदे से मिले हो ठीक है फॉर मैरिज प्रपोजल लेकिन वहां पे ना इन्होंने उस बंदी या बंदे का ना दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ के आए हैं ये इन सेंस ही उनको बोलकर आए कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता नहीं कर सकती क्यों क्योंकि मेरा मन नहीं है अब इन सब चीजों के अंदर मेरा ना कहते हैं ना एक तरीके का रुझान होता है सबकी अपनी फैंटेसी होती है शादी को लेकर के वो खत्म हो चुके हैं और हो सकता है उस बंदे ने उस बंदे ने पूछा हो कि ऐसा क्यों तो इन्होंने उसको बता दिया और कहा हो कि मैं अपने घर वालों को ऐसा सच कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि वो लोग समझेंगे नहीं तो एक काम करें आप ही मना कर दें इस रिश्ते के लिए ठीक है और अभी हाल फिलहाल में ही किसी का दिल भी तोड़ कर आए हैं ठीक है और कोई लड़की है मेरे को यहाँ पे एक चीज़ और नजर आ रही है कि कोई लड़की है या कोई लड़का है जो कि इनके पीछे और पड़ा हुआ है कि इस बंदे के साथ या इसके साथ शादी हो जाती है ना तो मेरी जिंदगी खुश खुशियों से भर जाएगी क्यों क्योंकि ये अबेंडेंट है रिच है हैंडसम है और जेनवन है ठीक है क्योंकि उस बंदी को ना ये चीज अच्छी लगी है ये चीज पसंद आई कि इन्होंने कितना मतलब सच बोल दिया समझ रहे हैं आप कि इन्होंने देखो कैसे सच बोल दिया तुरंत से वो चीज़ें मेरे को फील हो रही हैं दूसरा विद दिस ऑफ फॉर्च्यून कार्ड ये पर्सन और किसी के साथ कोई किसी रिलेशन में नहीं आना चाहता दिस पर्सन ओनली वॉन्स यू गाइज सिर्फ और सिर्फ यह आपको चाहते हैं एंड विद दिस डेथ कार्ड टू टाइम्स डेथ कार्ड आया दैट मीन्स आप दोनों के रिश्ते के अंदर एक नयापन एक न्यू बिगनिंग जरूर आएगी हैंगमैन का भी कार्ड है यहाँ पे बंदा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा स्टक है मुझे नहीं लग रहा कि ये पार्टनर किसी से मिलता है या किसी से आ, किसी के साथ पार्टी या कुछ हैंगआउट करने की कोशिश करता है हो सकता है इनके फ्रेंड्स जो हैं, इसको पार्टी वगैरह में बुलाने की कोशिश करते हों बट uh, जैसे ही कोई आता है करता है ये पर्सन ना इग्नोर कर देता है चीजों को अगर ये कहीं जाता आता भी है ना तो ये एस सच कुछ खास क्रिएट करता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है यानी कि ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो खुश तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है अपनी जिंदगी को झेल रहा है और uh, बस बैठा है देखो सी फाइव ऑफ कप्स मैंने बोला ना झेल रहा है देखो डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है और एक कार्ड और गिर गया हमारा रुकिए हम्म क्वीन ऑफ हम्म लोगों को सिर्फ ये ही दिखा रहा है कि हाँ भाई मैं तो करियर में बिजी हूँ। अगर हो सकता है इनका कोई दोस्त वगैरह भी आता हो तो ये उसको बोल देते हैं यार मेरे पास तो समय नहीं है मेरे को तो वहां जाना है मेरे को तो ये करना है ठीक है फिर हमारे पास थ्री ऑफ बॉर्न्स अगेन थ्री ऑफ वॉर्न देखो काज कितने है? मतलब एक जैसे आते हैं थ्री ऑफ बॉर्न्स अगेन ओवर थिंकिंग पैटर्न जो की बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी हार हो गई हो एट ऑफ वस कार्ड ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं आजकल एंड पेज ऑफ सोज और ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं ठीक है बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेनिकल्स अगेन नाइट किंग ऑफ पेनिकल्स तो ये पर्सन ना आपको स्टॉक भी करते हैं गाइज मैं आपको बता दू एक चीज और ठीक है ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी करते हैं ये ये वो सारी मुमकिन चीजों को देखने की और परखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ठीक है खुश तो बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी खुश नहीं है चलिए इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं फिर हम, ठीक है चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं इनके चलिए क्या क्या आया है ये और आपसे कुछ कहना चाहते हो तो क्या कहना चाहते हैं प्लीज तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज इन्हें माफ करें ठीक है आई लव यू तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं आई बेग यू ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर है हमारे पास यहाँ पे गुड लक तो एंजल का आ रही है तो आई वॉन्ट यू ओनली तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं गाइस सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं फिर है हमारे पास गुड मेच्योरिटी तो ये सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी को लेकर के बैठे हुए हैं अगर तुम मिल जाओ तो वही देखो वही गाना है ये और कितना जच रहा है मैं सेरा बांध के आऊँगा तो इनके दिमाग में है कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप दोनों की शादी हो जाए आई कांट लीव दैम और ये ये भी कहना चाहता है कि ये अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ सकता है यू नो सिचुएशन राइट आपको पता है ना क्या सिचुएशन चल रही है स्टिल यू आर अपसेट एंड मजबूरी को आंखों में छुपाया है डेफिनेटली मजबूरी को आंखों में छुपाया हुआ है इन्होंने हो सकता है ये बंदा रोता भी हो ब्लैसिंग्स फ्रॉम दी गॉड इनको ऐसा लगता है कि आप ना भगवान की दी हुई दुआ हो इनके लिए आई एम एमगना क्रेजी ये बंदा बिल्कुल पागल हो रहा है आजकल विल यू एक्सेप्ट मी और इनको कभी कभी लगता है कि अगर ये आपकी जिंदगी में चला जाए तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे कैसे मुझे तुम मिल गए तो कैसे आप इनको मिल गए इनको नहीं पता विल यू मेक सम फूड तो हो सकता है इस पार्टनर को आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता हो फिर है वाई सो मे बी इट इज इनिशियल लव अपोजिट सेक्स तो इस पर्सन को ना आप बहुत प्यारे लगते हो इनको बहुत चाह है आपकी आपकी बॉडी की भी इनको बहुत क्रेविंग्स है आपको लेकर के आई लव वन यू स्माइल तो आप इनको हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो एंड वी हैव यू लुक ब्यूटीफुल इन ब्लैक तो आप इनको ब्लैक कलर में बहुत पसंद हो एंड आई लव योर चीक्स दे आर फुल ऑफ जॉय तो इनको मैंने कहा ना लव फीलिंग्स और क्रेविंग्स भी हैं एंड वन मो कार्मिक तो ये अभी किन चीज़ों से डील डील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कार्मिक हैं तो खुश तो बिल्कुल नहीं है ठीक है this is all about today's reading i hope this will resonate with everyone if yes then please like this video give it a big thumbs up subscribe to our channel comment down below aap logo ko kya pasand aaya kya nahi pasand aaya और इसी तरीके के personal पे reading के लिए आप लोग मुझे mail कर सकते हैं या फिर Instagram पे message कर सकते हैं बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को Bye.